खंदारी चौराहा स्थित गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज कौशिक ने बताया कि आज के जनरेशन में पेट फूलना, पेट की सूजन एक आम समस्या बन गई है। पेट फूलना पेट में गैस के जमा होने से काफी परेशानियां हो सकती हैं। पेट फूलना एक बहुत नॉन स्पेसिफिक समस्या है। आजकल जैसा हमारा खान पीन चल रहा है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसके बाद कभी कभी उल्टी जैसा लगता है और कभी कभी बार बार मोशन जाना पड़ता है। तो इसके कई सारे कारण हैं। तो सबसे बड़ा कारण आज की समस्या वो है हमारा खान पान, है ना। हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं, है ना। तली हुई चीज़ों का सेवन बहुत करते हैं, उससे ये समस्या काफ़ी बढ़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका है तनाव। आजकल की जो तनावपूर्ण शैली है, जीवन शैली है हमारी, उसमें ये पेट फूलने की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये एक बहुत नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट है, लेकिन अगर इस समस्या के साथ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज कौशिक ने बताया कि कहते हैं सभी बीमारियों की जड़ पेट से होती है। पेट फूलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अनियमित आहार शैली, खराब खानपान, शारीरिक गतिविधि का अभाव, अधिक तेल मिर्च का खाना खाना। लोगों का खानपान असंतुलित होने के कारण वे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खाने को अच्छी तरह चबाकर न खाने, अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से पेट में इन्फेक्शन या सूजन की समस्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।